साथियों, आप आज से गणित से कोई नहीं डरेगा, क्योंकि आपके सामने अब माणिकराम वर्माचार्य उपस्थित हो चुके हैं। आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं गुणा और भाग की मिश्रित गणना। आप लोगों का मांग था कि सर गुणा और भाग भी साथ हो जाए तो हम कैसे उसको हल करेंगे कम समय में। देखिए, इसी विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। गुणा और भाग को हम एक साथ एक ही पंक्ति में बहुत कम समय में कैसे हल करते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे समझिएगा। जैसे मैं इसमें प्रश्न ले लेता हूँ, 472 गुणे 473 और बटे 475। इस प्रकार से आपके पास प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, 472 से 473 का गुणा हुआ है और जो गुणनफल आएगा उसको हम 475 से भाग दे रहे हैं। बहुत इजी तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। आपके प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो उसको आपको सरल करने में बहुत ही आसानी होगी। ये प्रश्न है और इस प्रश्न को हम कैसे सरलता से ज्ञात करते हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। बराबर का बराबर लिख दिया, यहाँ जो हर है 475, तो 475 हर में रहेगा ही। 475 मैंने हर में लिख दिया, जो हर में है वो हर में रहेगा ही। दूसरी बात हम ये ध्यान देंगे कि 475 की संख्या कितनी कम है या कितनी अधिक है। यहाँ देख रहे हैं हम प्रश्न में 475 से अंश वाली जो संख्या है वो छोटी है। देख लेते हैं कितनी छोटी है। 475 में 472 तीन कम है और 473 जो है दो कम है। तीन और दो को हम जोड़ते हैं तो पाँच होता है। कितना होता है? पाँच होता है। तो ये पाँच को हम इसमें से घटा देंगे 475 से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 470। कितना बच गया? 470। और जितना कम है उसका गुणा कर दिए। यहाँ कितना कम है? तीन कम है। यहाँ से कितना कम है? दो कम है। तीन और दो को हम जोड़ लेते हैं और जोड़कर हम गुणा कर देते हैं और गुणा करके हम यहाँ लिख देते हैं 3 × 6। ये हमारा उत्तर हो गया। साथियों, ये वीडियो को आप देख रहे हैं, कितनी सरलता से इसको बनाया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और एक ही पंक्ति में कैसे उत्तर हम याद करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम सेकंड प्रश्न और बताने जा रहे हैं। 384 गुणे 386। इस प्रकार से आपके पास प्रश्न है 388। इस प्रकार से प्रश्न है तो हम बहुत ही सरलता से कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा देखा करें वीडियो, जिससे कि जो प्रश्न है आपको सरलता से समझ आ जाए। मैं पहले बताया था जो संख्या हर में है उसको हम हर में ही लिख लेते हैं। तो हर में कितना है? 388। 388 पर लिख लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 388 से कितना कम है ये देखते हैं। तो 388 के यहाँ कितना कम है? चार कम है। यहाँ कितना कम है? दो कम है। तो चार और दो कितना हुआ? छः। इसमें 388 से 6 को कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 382। 382 बचा। उसके बाद हम जितना कम है उसका गुणा करेंगे। यहाँ चार कम है, यहाँ दो कम है, चार गुणी कितना हो जाएगा? 8। इस प्रकार से इसका उत्तर प्राप्त हमको हो जाता है। साथियों, एक और प्रश्न देख लेते हैं। 265 गुणी 267 बटे 269। इस प्रकार से अगर प्रश्न है आपके पास तो भी हम इसको बहुत सरलता से सहजतापूर्वक बहुत कम समय में एक ही पंक्ति में कैसे याद करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आज तक इससे कोई नहीं डरेगा। 269 है तो हम यहाँ 269 लिख लेते हैं। हर भी कितने लिखे? 269। उसके बाद
ये हर पीरियड कितना कम है अंक वो देखते चलते हैं। तो 269 में से 4 कम है, यहाँ कितने कम है 2, तो 4 और 2 कितना हुआ 6। इस 6 को हम इसमें से घटा देते हैं 269 से, तो 6 घटाएं कितना हो जाएगा 263, कितना हो जाएगा 263। वैसे बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा मैं मानता हूँ। और जितना कम है, कितना कम है यहाँ 4, यहाँ कितने कम है 2, तो 4 और 2 को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8, ये हमारे उत्तर प्राप्त हो गए साथियों। अब ये वीडियो कहीं आपको समझ आया है, अच्छा लगा है तो YouTube पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना आप, आपके पास जितना भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। गणित कोई कठिन विषय नहीं है, गणित को भय में, भय के भूत के रूप में आपके मानसिकता में बिठा दिया गया है कि गणित सबसे सरल विषय है। देखिए हमारा गणित कितना सहज और सरल तरीका से बढ़ रहा है, इस गणित से आप बड़े से बड़े प्रश्नों का अगर विधि आपको समझ आया है तो बहुत ही सहजतापूर्वक और सरलता से कम समय में आप हल कर सकते हैं। साथियों पुनः आप लोगों में बोलना चाहूँगा, ये वीडियो अगर समझ आ गए हैं, वीडियो कहीं अच्छा लगा है तो YouTube पर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक तो बनता ही है। फिर मिलते हैं उसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।